श्रीवंशधर नगर। नगर पंचायत क्षेत्र के चिचरिया स्थित विश्वनाथ पैलेस में रविवार को तबीब टूर एंड ट्रेवल्स के द्वारा हज व उमरा पर मक्का मदीना जाने वाले जायरीनों एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनर तबीब आलम हजरत अल्लाम मुफ्ती महमूद आलम, मौलाना मुफ्ती अली उजमा मिसबाही, मौलाना एजाज अंजुम, मौलाना अमीरुद्दीन साहब ने मक्का मदीना उमरा पर जाने वाले जायरीनों को ट्रेनिंग दिया। उन्होंने कहा कि उमरा करने का तरीका अहराम पहनना है, जो उजला कलर लुंगी और चादर पहनकर उमरा किया जाता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का घर खाने ए काबा व तवाफ करना, साफा और मरवा पर दौड़ लगाना तथा सिर का छिलवना होता है। उपस्थित लोगों ने कहा कि साल में हज एक बार किया जाता है, लेकिन उमरा साल में कभी भी किया जा सकता है। मक्का मदीना शरीफ की यात्रा नसीब वालों को मिलती है। उमरा जाने वाले जायरीनों को माला पहनाकर एक इस्तकबाल किया गया। जाने वाले जायरीनों ने मुल्क भारत की अमन शांति की अपील की। इस अवसर पर उमरा जाने वालों में डॉक्टर हाजी कुतुबुद्दीन अंसारी, निजामुद्दीन अंसारी, रोज मोहम्मद अंसारी, इस्लामुद्दीन अंसारी, रफीक अंसारी, कलीमन बीबी सहित अन्यों के नाम शामिल हैं। मौके पर सदर तौहीद खान, मोहम्मद मुमताज राही, तस्लीम खान सीनियर, तस्लीम खान, कलाम खान, मुश्ताक अहमद शेख, नसीर अंसारी, मुन्ना सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। दरअसल तबीब टूर एंड ट्रेवल जो है वो तीर्थ यात्रा पे जो लोग जाते हैं मक्का और मदीना सऊदी अरब, वहाँ पे अच्छी सहूलतों के साथ पैकेज बनाकर उमरा के लिए तबीब टूर एंड ट्रेवल की निगरानी में लोग जाते हैं। और आज उसी कड़ी में नगर अनुमंडल का जो ये केंद्र है, आज यहाँ पे विश्वनाथ हॉल है ना पैलेस में, आज उमरा पे जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए प्रशिक्षण का प्रोग्राम तबीब टूर एंड ट्रेवल के माध्यम से रखा गया था। और 16 अक्टूबर को ये जो पवित्र यात्रा पे लोग प्रस्थान करेंगे, उनका आज स्वागत समारोह भी था और उनकी ट्रेनिंग भी थी कि वहाँ तीर्थ यात्री वहाँ जाकर कैसे दर्शन करना है, क्या क्या वहाँ पे अपना इस्लामिक तौर तरीके से उमरा करना है, उसके बारे में हमारे ट्रेनर लोग जो एक्सपर्ट हैं उमरा और हज के लिए, उन लोगों को बुलाया गया था। और हमारे मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना अली उजमा साहब, एजाज अंजुम साहब, मौलाना अमीरुद्दीन साहब, मौलाना अकबर साहब, हमारे पैगाम रजा साहब, ये जितने भी हमारे उलमा हैं, शेर मोहम्मद साहब, सब लोगों ने मिलजुल करके ट्रेनिंग दिया और सभी लोगों का स्वागत हुआ। और आप देख भी पा रहे हैं कि आज पूरा नगर अनुमंडल का जो भी हमारे सामाजिक और सियासी राजनीतिक तौर पे और सभी स्तर के जो रहनुमाई और अगुवाई करने वाले हमारे लोग हैं, तस्लीम खान साहब सीनियर, तस्लीम खान साहब जूनियर, हमारे हाजी अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर कुतुबुद्दीन अंसारी, मुमताज राही साहब, कलाम खान साहब, ये सारे लोग उपस्थित रहे। और ऐसा महसूस हुआ कि आज यहाँ सभी लोग एक जगह बैठकर हज और उमरा का जो तरबियत आज दी गई है, इस प्रशिक्षण समारोह को लोगों ने बहुत कामयाब बनाया। इसके लिए मैं नगर अनुमंडल क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं एक पैगाम और एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर जो लोग उमरा और हज के लिए जाना चाहते हैं, वो तबीब टूर एंड ट्रेवल से आकर के संपर्क करें। और बहुत जल्द नगर अनुमंडल में भी हम अपना ब्रांच खोलने वाले हैं, आप लोग इसमें सहयोग करेंगे, मुझे ये उम्मीद है। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। तबीब टूर एंड ट्रेवल्स के माध्यम से हम लोग जो नगर अनुमंडल से 14 लोगों को तीर्थ यात्रा यानी उमरा पे सऊदी अरब मक्का और मदीना शरीफ ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हम जाने के बाद सरकार की बारगाह में जो मज़हब इस्लाम के फाउंडर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम हैं, उनके मज़ार के करीब हम अपने मुल्क भारत के लिए अमन और शांति, अपने देश के लिए, अपने झारखंड के लिए, अपने अनुमंडल के लिए, अपने गांव, अपने समाज के लिए दुआ भी करेंगे। और हम मुसलमानों को ये आस्था है कि वहाँ पर हर मुरादें पूरी होती हैं और इस्लाम का मेन केंद्र है, उस केंद्र में जा कर के हम अपनी दुआएं मांगेंगे, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने खैर व आफियत की दुआ करेंगे।